नवाब शाह से खबर देते चले के नवाब शाह में 1 मई आलमी दिन यौम मजदूर के मौके पर नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह के सामने हारी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अकरम खास खली की क्यादत में रैली का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद आपको आगाह करेंगे एकता टीवी न्यूज की इस रिपोर्ट में। नवाब शाह से खबर देते चले कि नवाब शाह में 1 मई आलमी दिन यौम मजदूर के मौके पर शिकागो के मजदूरों को खराज अकीदत पेश करते हुए नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह के सामने हारी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अकरम खास खली की क्यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठाए रखे थे। इस मौके पर अकरम खास खली ने खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों की माशी सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से भूख व अफलास का शिकार है। मजदूर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। मजदूरों और किसानों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को कम अज़ कम माहाना उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलखसूस सिंध में जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा नागजीर है। वडेरा शाही और जागीरदाराना निज़ाम ने मजदूरों और किसानों के हकूक का एहतसाल कर रखा है, जिसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम यौम मजदूर पर पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मजदूरों और हारियों के हकूक का तहफ़ यकीनी बनाने के लिए सेंटेंस एक्ट दरामद को यकीनी बनाया जाए और सरकारी जमीनों के लैंड माफिया में बंदर बांट बंद करके तमाम सरकारी जमीनें बेजमीन हारियों में तकसीम की जाए। इस मौके पर मजदूर रहनुमा असलम नूर, कलीम जट, एडवोकेट शहजाद खास खली, माशूक अली, मीनार्टी लेबर विंग, लाल चंद, यासिन खास खली, आसिफ अलबशर खान, मोहम्मद हसनैन और दीगर ने खिताब किया। एकता टीवी न्यूज रिपोर्टर राव मोहम्मद अफजल राजपूत। महागाई।